मुरादाबाद के मैक्स रोगी सहायता केंद्र में ओरल कैंसर के ऊपर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या पर विचार विमर्श किया और ओरल कैंसर के उपचार और रोकथाम में बढ़ते विकास को हाईलाइट किया। कार्यक्रम में नोवल थेरेपियों के आगमन पर जोर दिया गया, जिसके जरिए सिर और गर्दन के स्टेज 4 के कैंसर के परिणामों में सुधार मुमकिन हो पाया है। मरीजों और श्रोताओं को संबोधित करने के लिए वहां वैशाली और पटपरगंज स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हेड एवं नेक के निदेशक डॉक्टर पवन गुप्ता और एसोसिएट डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर गगन सैनी मौजूद रहे। भारत में ओरल और ओरोफेरेंजियल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में अकेला भारत है जहां सिर और गर्दन के कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सही समय पर कैंसर की पहचान हो जाए तो इसका इलाज संभव है। कॉन्फ्रेंस में मौजूद मैक्स हॉस्पिटल वैशाली एवं पटपरगंज के डॉक्टर पवन गुप्ता का कहना है कि ओरल कैंसर के इलाज में बदलाव हुए हैं। पहले इन्फेंसिस कैंसर का इलाज कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित को कई अन्य परेशानियों का बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन बीमारी की बढ़ती समझ के साथ अब कार्यात्मक और शारीरिक कॉस्मेटिक रिकवरी दोनों को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि रोगी के जीवित रहने को दिया जाता है। समय के साथ ओरल कैंसर के इलाज के सभी पहलुओं में बदलाव हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और पटपरगंज के डॉक्टर गगन सैनी का कहना है कि परिवर्तन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर्वाइवल रेट में सुधार आया है तो साथ ही नई चुनौतियों का जन्म भी हुआ है। इस बात पर आज तक जोर नहीं दिया गया। हमें न केवल कैंसर का इलाज करना है बल्कि हमें रोगी को पूरी तरह से स्वस्थ रखना है। रोगी को कॉस्मेटिक और कार्यात्मक दोनों रूपों से ठीक करने की आवश्यकता होती है। सर्जिकल अप्रोच को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। तकनीकों के साथ साथ सर्जिकल अप्रोच में बदलाव आया है, जिसके साथ इलाज करना आसान हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। डॉक्टर पवन गुप्ता, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर वैशाली से मैं, और मैं हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी का डायरेक्टर हूँ। और इसमें आज हमारा मेन मकसद हमारे यहाँ पर आने का ये है कि जो हमारे देखिए मुँह का कैंसर जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इंडिया में हम लोग वर्ल्ड में अगर हम देखें, पूरे दुनिया भर में देखें, तो हम लोग सबसे ज़्यादा मुँह का कैंसर हमारी इंडिया में, और ये एक ऐसा कैंसर है जो जल्द से जल्द पकड़ा जा सकता है, जल्द से जल्द हम लोग उसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसको ट्रीट करके ठीक कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन भी हमें पता है कि मुँह का कैंसर का सबसे ज़्यादा कारण जो है तम्बाकू, तो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। बट उसके बावजूद भी हमारे भारत में 80% कैंसर तब हमारे पास पहुँचते हैं जब वो स्टेज फोर हो जाते हैं, जब हमारे पास उनको ठीक करने की क्षमता कम हो जाती है। तो हमारा मकसद आज ये है कि हम लोगों तक ये पहुँचाएँ कि किस तरीके से कैंसर को जल्द से जल्द उसको डायग्नोज किया जाए, जैसे कि वो हमारे स्टेज 1 में ही हमारे पास आ सके। दूसरा, हम लोग उसको ट्रीट करके हम लोग उनको आजकल जो है, पहले जो हमारे होते थे कि जब हम ऑपरेशन वगैरह करते थे तो मुंह टेढ़ा हो जाता था, हड्डी निकाल देते थे, तो काफ़ी उसमें मुश्किलें आती थी, लोग खाना नहीं खा पाते थे। लेकिन अब जो हमारे पास समाधान है कि हम उसमें ट्रीट करके उसको रिहैबिलिटेशन करते हैं, जिससे कि पेशेंट जो है वापस उसी तरीके का मुँह बना सकता है, वैसे ही खा सकता है, वैसे ही, तो हम लोग फंक्शनल और एनाटॉमिकल दोनों रिहैबिलिटेशन हम पेशेंट को करते हैं। तो ये पहला मकसद है कि लोगों को हम लोग कहें कि जल्द से जल्द हमारे पास पहुँचे। दूसरा हमारा ये है कि जल्द से जल्द पहचाने कैसे, मुँह का कैंसर को पहचाने कैसे, और कौन उसमें हाई रिस्क है, जो हमारे हम ये कहते हैं कि हर महीने एक बार अपनी मुँह की जाँच जरूर करें, जिससे कि अगर उसमें कोई सफ़ेद दाग, लाल सफर, या कोई अल्सर हो रहा है, या कोई ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं, या कोई गांठ गठन बन रही है, कोई स्वेलिंग से बन रहा है, गले में कोई स्वेलिंग बन रही है, तो वो हमारे पास इमिडिएटली लेकर के आए, जैसे कि या डॉक्टर को इमिडिएटली दिखाएं, उसका समाधान हो जाए, उसका डायग्नोसिस बन करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि तंबाकू के बारे में, जो तंबाकू इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, तो लोगों को तंबाकू के बारे में हम लोग बताएं कि किस तरीके से इसको छोड़ सके। देखिए, तंबाकू का भी अगर हम लोग सबसे बड़ा बात हम लेते हैं, तो ये हमारा एक बुक भी हमने अभी आपको सबको दिया है, जिसमें है जागरूक रहे प्रारंभ ना करें, ये हम लोग बच्चों तक भी हम लोग पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बुक है जिसमें विंग ओवर टबैको मेडिसिन, जैसे कि तंबाकू पे छूट हुई आसान, हमारा ये भी एक मकसद है कि लोगों को तंबाकू से कैसे जल्द से जल्द छुड़ा सके। तंबाकू एक बहुत ही कठिन चीज़ है, मतलब तंबाकू छोड़ना लोग
छोड़ देते हैं जनरली, अगर हम किसी को भी बोलते हैं तो जनरली लोग तम्बाकू बड़े आसान से छोड़ देते हैं, बट छोड़े है ना मुश्किल है। रात को छोड़ देते हैं, सवेरे फिर ले लेते हैं, दो दिन में छोड़ दिए, चार दिन में, तो तम्बाकू वो कैसे छोड़े उसका भी हमारे पास मेडिसिन आ गई हैं, दवाइयाँ आती हैं जिससे कि हम लोग उनको आराम से उनको सलाह दे करके, उनको गाइड करके, उनको बिहेवियरल थेरेपी करके उनको हम लोग छोड़ सकते हैं। और इसके लिए भी हम लोग डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, जो कि बहुत सारे डॉक्टर जिनको पता नहीं है कैसे छोड़ देते हैं, उसका भी ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है मैक्स इंस्टीट्यूट में, जो मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये हमारा जो सबसे बड़ा कैंसर है इस भारत का, जो मुंह का कैंसर, उसको रोका जा सके और उसके ऊपर में अगर जल्द से जल्द उसको हम लोग डायग्नोज कर सके, उसको पूरा ठीक कर सके, रिहैबिलिटेशन कर सके, ये हमारा मेन मकसद है। सर पूरे भारतवर्ष में नहीं देखा गया कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पेशेंट है इस तरह के, तो तम्बाकू के अलावा भी कोई और रीज़न होता है इस तरह की बीमारी का और किस तरह से उसका बचाव करना है? मुंह का कैंसर का अगर हम लोग देखेंगे तो 90% कैंसर जो है वो तम्बाकू के कारण है। दूसरे जो 10% में जो आते हैं, जो शार्प टीथ होते हैं, जो हम लोग जो डेंचर्स लगाते हैं या शार्प टीथ होते हैं, उसके कारण हो सकता है। कई बार हमारे आजकल हमारे HPV वायरस करके एक इन्फेक्शन आ रहा है जिसके कारण वो भी हो सकता है, तो ये भी हम लोगों का आजकल हम लोग का चल रहा है कि HPV वायरस करके हमको डायग्नोज करते हैं। तीसरा जो होता है जो स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं उनको भी ये कैंसर होने की संभावना रहती है, जो बार बार दांत कटते हैं उनको भी होती है, और जो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल भी हमारे बहुत बड़ा कारण है, जो अगर तम्बाकू और अल्कोहल अगर दोनों लेते हैं तो ये समझो कि कैंसर तो दो गुना हो गया, मतलब 100 गुना हो गया। सर खान पीन की अगर बात करें तो दूध जैसा आटा मिला वगैरह उससे पोल्यूशन जो हमारे आ रहे हैं, देखिए अगर हम लोग इसमें हम लोग बात करें किसी भी प्रकार के कैंसर में बात करें, खासकर मुंह के कैंसर का, तो हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे संतुलित डाइट, हाई ग्रीन वेजिटेबल डाइट लेना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग ये देखते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण या मिनरल डेफिशिएंसी के कारण भी इस तरीके के कैंसर बन सकते हैं। ठीक है। गगन सैनी, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। रेडिएशन थेरेपी से जो ट्रीटमेंट की जाती है, सो प्राइमरली जो मुंह के गले के कैंसर होते हैं उनके दो ट्रीटमेंट होते हैं, ऑपरेशन और रेडिएशन थेरेपी, उसके साथ साथ कीमोथेरेपी कभी कभी दी जाती है। सो सर जो है वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो सर्जरी करते हैं, और मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जो रेडिएशन करते हैं। जैसा कि आपकी बात हुई कि जो हिंदुस्तान है वो वर्ल्ड की कैपिटल है, मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के केसेस यहीं हो रहे हैं मुँह कैंसर के, और उसका कारण वही है कि मुँह के अंदर तम्बाकू है, तम्बाकू की वजह से होते हैं। दूध में मिलावट की वजह से मुंह का कैंसर नहीं होता, दूध में मिलावट की वजह से कुछ कैंसर्स का बढ़ने का अंदेशा है और प्रोजेक्शन है कि दूध के मिलावट से शायद कैंसर्स होंगे, बट अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, पुष्टि नहीं है, बट जिस तरह के केमिकल मिक्स हो रहे हैं उनसे अल्टीमेटली कैंसर होना ही है, दे आर ऑल कार्सिनोजेनिक। सो दैट इज़ आई थिंक वन आंसर टू योर क्वेश्चन आपका जो था। सो जो हमारे जो इक्विपमेंट्स आए हैं और जो हमारी जो मशीन्स आई हैं, इनके बारे में जो मैं बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि हम अब पिन पॉइंटेड रेडिएशन दे सकते हैं, यानी कि जिस जगह पे एग्जैक्टली ट्यूमर है उसी जगह पे रेडिएशन देना, यानी कि जिस तरह से अगर मुंह का ट्यूमर है, जिस गाल का ट्यूमर है, तो जबान को मुफ्त में रेडिएशन दी जाएगी और मुंह में छाले जो है वो कम होंगे, लिप को छाले कम होंगे, गले में छाले कम पड़ेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके दो फायदे हैं, एक तो पेशेंट को इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं होती, उस वजह से ट्रीटमेंट कंप्लीट करता है टाइम से, कंप्लीट करता है तो बेनिफिट मिलता है, एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो रेडिएशन की वजह से सूखती है चमड़ी और वो सब चीज़ होती है, सर उसी जगह पर होती है जहाँ ट्यूमर है और वहाँ तो सूखेगी ट्रीटमेंट। सो ये तो ये बात है। इसके अलावा जो पिन पॉइंटेड रेडिएशन है उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और भी है, और एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका ये है कि जब सेकेंड टाइम कैंसर होता है, जैसे किसी को एक कैंसर हुआ और भगवान की दया से वो बच गया, जिसमें काफ़ी लोग बचते हैं आजकल, अच्छी ट्रीटमेंट जब कराते हैं, हमारे बहुत पेशेंट अभी बचते हैं, तो सेकेंड कैंसर्स होते हैं, जो सेकेंड कैंसर्स होते हैं इट इज़ अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर आप पिन पॉइंटेड रेडिएशन नहीं कर रहे हो सेकेंड कैंसर में, तो ट्रीटमेंट की वजह से 40-50% लोग जो है वो बचेंगे नहीं। बट अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो ये रिसर्च बताती है कि 10% से कम लोगों को प्रॉब्लम आती है एट 2 ईयर सर्वाइवल, यानी 2-3 साल तक पेशेंट जो है 60-70% लोग जो है वो अच्छा करते हैं सेकेंड कैंसर से। तो ये दो बातें हैं, पहली बात ये जो आज वाला कैंसर है वो भी अच्छा ट्रीट हुआ है, दूसरी बात ये कि जो सेकेंड कैंसर होते हैं वो बहुत अच्छे ट्रीट हो जाते हैं। सर आखिरी सवाल है, इससे सिम्टम क्या है मुँह के कैंसर के? सिम्टम मुँह के कैंसर के सिम्टम बिल्कुल बेसिक सिम्टम होता है, मुँह के छाले वाला सिम्टम, किसी का मुंह में छाला होता है, किसी का जबान पे छाला होता है, किसी का जो है वो गाल पे छाला होता है, किसी का तलवे पे छाला होता है, किसी कोई बोलता है मेरी दाढ़ जो है वो हिल रही है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बेसिक बात जो समझने वाली है, देखिए हम जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा कि सिम्टम जो है वो क्या होता है, हमारा क्वेश्चन ये इसलिए कि हमें पता लगे आगे बीमारी किसी को नहीं है, तो
जो आदमी एट रिस्क है, जो भी इंसान एट रिस्क है, रिस्क का माने ये है कि अगर मैं तम्बाकू खाता हूँ या मैं सुपारी खाता हूँ या मैं बीड़ी पीता हूँ और मेरे मुंह में अगर छाला पड़ रहा है तो मैं अगर सोचूँ तो कुछ नहीं है तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। बेसिक बात यह है कि स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि टाइमली चेकअप होते रहना चाहिए हाई रिस्क पॉपुलेशन का। वो पॉपुलेशन जो तम्बाकू का सेवन करती है उनको हाई रिस्क, वो बहुत हाई रिस्क होते हैं। पूरी दुनिया में 50% केस इंडिया में होते हैं कैंसर के, पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन नहीं है इंडिया में, पर 50% केस इंडिया में होते हैं मुंह के कैंसर। अगर कोई बहुत सीरियस मैटर है, अगर कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो वो मैक्स नहीं क्यों आए, क्या फैसिलिटी है? सो इस बीमारी से जो पीड़ित है उस इंसान को अच्छी सर्जरी चाहिए, और जनरली बीमारी एडवांस होती है जब वो सर्जरी से कटता है ट्यूमर, तो उसकी जगह में प्लास्टिक सर्जरी होती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद उसकी अच्छी रेडियोथेरेपी होती है। सो इस वजह से सो ये तीनों की तीनों चीज़ें प्रॉपरली पेशेंट को मिलनी चाहिए, और ये तीनों की तीनों फैसिलिटीज मैक्स में अवेलेबल है। बेसिकली ये बनेगा। ठीक, थैंक यू सर।